क्योंकि बूंदाबांदी चर्च ही बंद हो गई। ठीक है, दोस्तों राम राम, नमस्ते सभी को। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है आई लव JHNP। तो मैं इस टाइम पे हूँ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में, और ये जगह है रोपा फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स सेंज वैली में, और सेंज वैली पड़ती है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर ट्रैक पे जाने वाले हैं, जिस ट्रैक का नाम है ढेल थाच। उस जगह को थाच इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत हमारे को मीडोज देखने को मिलेंगे, और वो एक्चुअली हम इसलिए जा रहे हैं वहाँ पे कि हमारे को एक वाइल्ड लाइफ सेंसस करना है। तो मैं उस सेंसस का पार्ट हूँ इस टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं निहारनी में, और ये हमारा बेस स्टेशन है। यहाँ से हम कैंप स्टार्ट करेंगे, ट्रैक सॉरी, और तकरीबन 12-13 किलोमीटर है शाक्टी यहाँ से, और वहाँ जाके रेस्ट लेंगे, फिर आगे जाएंगे अगले दिन। तो चलते हैं, बाकी अभी पूरी टीम दिखा। सारे लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और फोटो सेशन होने वाला है। तैयारी में ना फिर ये हमारा राशन पैक होते हुए। शमशेर भाई हेलो करना। हेलो। भाई डेस्टिनेशन उधर बादलों के, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ हुआ है ताजा। बड़े अच्छे लोगों से मिला मैं अपने लाइफ में, 14 साल की सर्विस में बड़े अच्छे लोगों से मिलना हुआ, जिनसे इंस्पायर होके लगा कि नहीं यार ऐसे ऐसे इनके साथ जुड़ के या इनकी तरह काम करने के लिए इंस्पायर हो गया। करता रहा तो थोड़ा धीरे धीरे जितना होता है। और सर मैं इनसे इंस्पायर हुआ था। सरप्राइज कि ये देखो हरियाणा से इतने दूर से आए हैं ना, मैं बड़ा अच्छा लगा इनको देख के। इनको स्पेशल इनविटेशन दे रहे हैं अमरुआ और चंबा वगैरह घूमने के लिए। बोले बनने है वहाँ पे ना जी, थोड़ा एक ट्रेडिशनल घर है वहाँ, नाइट स्टे करेंगे, मज़े से इंजॉय करेंगे। सर विजिट जरूर करना, आपको जरूर आना। सर 100% आऊँगा मैं। ये तो पहुंच जाता है बड़ा होना, क्योंकि इसका तो हाँ मैं सुन रहा बढ़िया है। जंगल कैंपिंग की मैंने अकेले आ गया, पैशनेट बंदे हैं। नीचे लगी सर मैं लगी नहीं हूँ, सिर्फ टोपी में बजी। तो बड़ा गाते हैं सर, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हेलो हेलो, क्या बोला? नमस्कार सर, जहाँ कैसा रहा सफर? हेलो भैया, हेलो सर, हेलो भैया। अब थोड़ा हम डेंस वेजिटेशन की तरफ जा रहे हैं अंदर को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओक ट्री है, फर्न्स भी हैं यहाँ पे। ये है यहाँ पे नाला, पत्थर ही पत्थर है, और ये यहाँ पे हमारी सेंज रिवर, जो कि मुझे दुनिया की सबसे सुंदर नदी लगती है। अब हम थोड़ी उतराई उतर रहे हैं, नदी के पास जाएंगे। ये नदी की आवाज़ कितनी अच्छी है। मैं विनय भाई के साथ ही चलता रहूँगा, क्योंकि इनसे मैं 100 सवाल करूँगा, ये मेरे को बताते हैं सारे प्लांट्स, कोई भी क्वेश्चन सारे क्लियर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लकड़ी लगाई है क्या, क्योंकि रास्ता टूट गया है। और यहाँ से व्यू बिल्कुल नीचे जाने का रास्ता, और इस पुल पे चलने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, जो मैंने तो एक 2016 में मिल गया था। अल्टीमेट हिलता हुआ पुल जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो
क्रेजी हो गया था, चिल्लाने लग गया था यहाँ पे। ये यहाँ से अल्टीमेट व्यू सेंज रिवर का। ये पूरा हिल रहा है, ये देख सकते हैं आप, कैमरा भी हिल रहा होगा। चढ़ाई चढ़ रहे हैं फर्स्ट पुल के बाद और चढ़ते ही जाएंगे अगला स्टॉप, देखते हैं कहाँ दिलवाएंगे बिना भाई। ये है हमारा वैली रेना जटामान से मुस्क वाला, सुन के पता लग जाता है। अब हम पहुंचने वाले हैं नदी के पास बिल्कुल। यहाँ ऐसा लग रहा है कि लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। ऐसे ऐसे कूद के जाना पड़ता है भाई, और यहाँ से फिसल गए तो गए नीचे। क्या मजा आ रहा है यहाँ पे सेंज रिवर का नजारा। भैया शाक्टी कितनी दूर है अभी? अभी है जी यहाँ से अभी 2-3 घंटे का रास्ता है। 2-3 घंटे का, ठीक है धन्यवाद। हेलो, कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा रहा। अभी तो हमें आगे लंच करना, सॉरी वो लंच करना है। हाँ लंच करने रुकेंगे अभी, चली करना है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट उतराई है ये। विनय भाई कौन सी जगह है ये, कौन सी जगह है ये? क्या बर्ची शरण? बर्ची शरण तो यहाँ हट बनाई हुई है। ये पहले भी थी हट? ध्यान नहीं है। यहाँ फिर से हमने लिया है हॉल्ट, खाना खा रहे हैं। हेलो भैया। नमस्ते जी। नमस्ते। तो अभी हम जाएंगे पानी भरने के लिए नदी के पास। भर लिया भैया पानी? पानी ले आए हम। अब मैं भी भरूंगा। संदू जी, दिनय भाई, यहाँ पे सभी लोग लंच कर रहे हैं इस टाइम। तो लंच करने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं अपने रास्ते की तरफ आगे की ओर। आज हम जाएंगे शक्ति, वहाँ करेंगे स्टे। तो चलते हैं दोस्तों, आगे का नज़ारा दिखाता हूँ।
और ये उतराई, कभी चढ़ाई कभी उतराई, पर यही तो मज़ा है, जीवन भी ऐसा ही है, अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं। लेकिन हमारे को उम्मीद नहीं छोड़नी होती और हमारे को बस चलते रहना चाहिए और फिर मंजिल मिल ही जाती है। क्या पोजीशन है रुकना में? अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी चल के बंद हो गई। अच्छा ठीक है, आगे वाली टीम से भी हुआ संपर्क? सपने भी आया नाम से डरना। स्माइल प्लीज। नमस्ते। राइट पे काफी ठंडी हवा चल रही है। लेपर्ड का निशान ताजा लग रहा है ना? टेरिटरी मार्क कर रहा हूं। क्या करता है वो? भी टेरिटरी मार्क कर रहा है। वो तो यूरिनेट करके भी करता है। यूरिनेट ये निशानी है। यहाँ से गुजरा है वो भी दिखा रहा हूँ सिर्फ। दूसरे लेपर्ड को दिखा रहा है। पत्ता आगे चिपक गया था, इतनी तेज हवा चल रही है। काफी यहाँ पहाड़ों में छोटे बैल मिले। अच्छा लोकल देसी। दोस्तों हम इस टाइम पहुंच चुके हैं शुभाड़ गांव में। यहां से शाटी है 2 किलोमीटर, जहां हमने अपना फर्स्ट हॉल्ट लेना है। उसके बाद हम कल सुबह निकलेंगे डेहल की तरफ और हम 2 दिन डेहल में ही रहेंगे फिर। तो हमने 2 दिन सेंसस करना है, 2 रिकॉर्डिंग लेनी है हमने। पहाड़ी घर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल? शर्मा। क्या ये शर्मा सिंका धर्म, इसका क्या यूज करते हैं? विटामिन सी और डी में। अच्छा बताओ इसका वो भी बनता है क्या बोलते हैं जैम? अच्छा जैम भी बनता है, लोकल विटामिन सी ले लेते हैं। ये जालो और नॉर्मल का है। सिस्टु ने सिस्टु। हां हां सिस्टु जबार बोल लीजिए। हां हां हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए भाई? शक्ति शक्ति ट्रैकर। यहाँ तो नर्सरी होती थी पहले। आप कितने बजे पहुंचे शमशेर भाई? मेरे को कम से कम 2 घंटे यहाँ पहुंचे। कमाल कर दिया आपने। कैसा रहा भैया आपका ट्रैक? बहुत अच्छा ट्रैक है। आप तो पहली बार आए हैं ना? बहुत बार मैं 2-3 बार शर्ट तक तो 4 बार आ चुका हूँ। अच्छा डेल नहीं गए आप? डेल नहीं गए। अच्छा प्रगति भी गया हूँ एक बार। ठीक ए जोगो भाई मिल गए। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ? बढ़िया पहुँच गए। आप यहीं थे शक्ति में? शक्ति में। शाम के 5:11 है और सारे लोग पहुँच गए हैं तकरीबन। ये हमारे डॉक्टर विपिन राठौड़ जी हैं, ब्राउन बियर के स्पेशलिस्ट।